हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैट कैम सोल्यूशन मेरठ और एनएक्स कैट में। आज हम लोग इस वाले पार्ट को बनाने वाले हैं और ये जो पार्ट है कुछ यहाँ पे एंगल पे है, इधर का ये भी हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल दिया हुआ है, तो इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इधर फ्रंट से, ये मेरा फ्रंट है और बाकी सब उसके बाद में बनाने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट, एनएक्स करते हैं स्टार्ट। और यहाँ से ये मैंने एक नई फाइल खोल ली है और नई फाइल के अंदर इस टाइप से मेरा इंटरफेस आ रहा है। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। और बेसिक सारी कमांडें जो हैं वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, कमांड्स बनाते हैं, कैसे कमांड को यूज़ करते हैं, वो सारा बेसिक वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, हर बारी की तरह जैसे मैं आपको पहले ही बोला है, आप बनाइए और एक आइडिया से बना लीजिए, जो कि एनएक्स का बेनिफिट है कि आप एक अंदाजे से डायमेंशन लेके बना लीजिए, बाकी जो भी है वो हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का ही आ गया, अब थोड़ी सी डायमेंशन कर लेते हैं, बाकी का हम बाद में ले लेंगे और ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, इस पर डबल के ये है हमारा 50। और इधर से ये जो थिकनेस है ये 10 है, क्लोज या इसको ऊपर कर लेंगे अगली बार नेक्स्ट टाइम। और ये है 37.5। इस विंडो को मैं उठा के कुछ इधर कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ये चेंज ना करना पड़े। और ये वाला मेरा 10 है, इसको मैं बाद में ले लूँगा, बीच का गैप 25। और ये वाला जो है मुझे डायमेंशन लेनी पड़ेगी तभी आ पाएगी ये, तो इसे क्लोज करते हैं और रैपिड से लेता हूँ। और ये दिया हुआ है सेकंड वाली लाइन से और इस लाइन के बीच का गैप, ये अब से क्लिक करिए और ये है 100। ये 100 हो गया। और फिर टोटल जो है वो यहाँ से और ये लास्ट पॉइंट जो है ये है 200। और क्लोज़ करते हैं और अब मैं यूज़ करता हूँ कुछ कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट में आप यहाँ से ऑन कर लीजिए तो कंस्ट्रेंट, या फिर हमारे पास और ऑप्शन है, आप डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं। ये है हमारा कॉन्सिडेंट, तो मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है और ये लाइन है ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो करते हुए जब भी आप इसको यूज़ करेंगे आप ध्यान रखिए आपको लाइन सेलेक्ट करनी है, पॉइंट नहीं करना है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप माउस को यहाँ पर रखेंगे तो ये पॉइंट आ रहा है, अभी भी पॉइंट आ रहा है। तो मैं इसे फिनिश करता हूँ और मेरे पास है ये लाइन और ये लाइन, दोनों को सिलेक्ट करिए और कर देते हैं कोलिनियर। और ये लाइन और ये लाइन दोनों को सिलेक्ट करिए, अगेन कोलिनियर। तो ये डायमेंशन जो है ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी, ये और ये लाइन दोनों को लिया और कोलिनियर, तो डायमेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली इसने पूरा ले लिया है। और ये हाइट है 40 और ऊपर का ये है 60। इधर से मैं लाइन लेता हूँ एंड से, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे कुछ 25 है, फिर यहाँ तक जाएंगे और आर्क लेके मैं इसे मिला देता हूँ। और अब डायमेंशन लेते हैं, ये गैप कितना है, यहाँ से रैपिड ले लीजिए, ये 25 और क्लोज करते हैं। ये जो रेडियस है इसे डबल क्लिक करिए, R50 और ये आ रहा है R, R50 क्लोज। और इधर का ये गैप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्केचेस और फुल्ली कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। मैं इसे फिनिश करता हूँ और फिट करिए और इसकी टोटल हाइट है 100। तो एक्सट्रूड करेंगे इसको, क्लिक,
और 50 लिखे सिमेट्रिक 50 कर और ओके कुछ इस टाइप से बन के आ गया है। इस स्केच को कर देते हैं हाइड, इस स्केच की रिक्वायरमेंट अब नहीं पड़ेगी। अब एक डाटा हम प्लेन लेते हैं जो कि एंगल पे है, यही एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो रेफरेंस प्लेन, तो इस फेस को क्लिक करते हैं और एक्सेस मेरी ये लाइन है, अभी एंगल आ गया, एंगल को आप चेंज कर दीजिए 20 डिग्री पे और अप्लाई। नेक्स्ट अगर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट भी मैं यही बना सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास सेकेंड ऑप्शन है कि मैं उसको बाद में ले लूँ। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, मेरा फेस है ये फेस और एज है ये वाली इसके अबाउट, तो ये इधर आना चाहिए, थोड़ा जूम करते हैं और इधर से देखिए प्लेन को ड्रैग करेंगे और फिर इधर की तरफ हम एंगल देते हैं, इधर से आ रहा है ये, इधर है 30, तो 180 माइनस 30 150, तो 150 पे ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। चाहते हैं प्लेन को तो थोड़ा ड्रैग, सॉरी ये लेंथ आनी चाहिए ये, अब इसे ड्रैग कर लीजिए और ये 150 और ओके। यहाँ पे ये जो कर्व है ये इसके साथ टेंजेंशियल नहीं है जैसा हमारा आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्केच में जाके डबल क्लिक करिए और ये जो कर्व है इसको हम सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट और इसे थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग करिए और फिर आर्क से लेना है क्लिक और ये क्लिक और इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे ये ताकि नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ पे क्या है डिस्टेंस में जाइएगा और ये 5 का कुछ गैप दिया हुआ है ये हमें लेना पड़ेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से और इस आर्क का एक क्वाड्रेंट पॉइंट जो है ये वाला गैप ये 5 है, इसको आप 5 रखिए और उसके बाद हम इस रेडियस को डिफाइन करेंगे 50। अब ये 50 हो चुका है ओके। स्केच अब फुल्ली कंसिडर है, देखिए इतना मटेरियल जो है एक्स्ट्रा हमें कट करना पड़ेगा जो कि इसमें कट हो जाएगा, इस टाइप से ये आ गया। और ये शायद एरर आ रही होगी, जो डाटम प्लेन हमने बनाया है वो डाटम प्लेन शायद यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं है कि आपको शो हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ और एक काम करते हैं ऊपर वाले पेज पे जाएंगे क्लिक और रेफरेंस लीजिए क्लिक ओके और रेक्टेंगल से मैंने लिया यहाँ से पिक और एक रेक्टेंगल बनाया, ये लेंथ है 100, यहाँ पे दिया हुआ ये रहा लेंथ 100 है और ये वाला है 30, 100 माइनस 30 70, तो इसे मैं साइड करता हूँ और इस वाले को कर देते हैं 70 और क्लोज और इसे घुमाइए और फिनिश करके मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ इसको इस कर्व को और रेफरेंस डाउनवर्ड और कुछ भी आप ले लीजिए, अदरवाइज अपने पास ऑप्शन है अप टू नेक्स्ट, तो ऑटोमेटिकली इट विल नो इट इज़ नॉट टेकिंग दिस अप टू एक्सटेंड सेम इट इज़ नॉट कमिंग जस्ट गिव सम वैल्यू मस्ट बी इनसाइड दिस कर्व ओके एंड नाउ यूनाइट दिस एंड ऑटोमेटिकली इट विल मर्ज विद द प्रीवियस वन एंड नाउ हाइड दिस स्केच and hide this previous sketch as well, so it will come like this. Now we have to create a plane at certain angle, so this time angle पे रखते हैं और planar surface हमारी ये है और axis मेरा ये है, angle 150 का और arrow को drag करिए ताकि ये आगे तक आ जाए, इधर से चाहते हैं आप इसे छोटा कर लीजिए no issue and click ok. तो पहले इस वाले पे आते हैं और इस पे आके मैं स्केच करने वाला हूँ और ओके और अब यहाँ से लेते हैं हम एक रेक्टेंगल, ये मेरा रेक्टेंगल हो गया और फिलेट के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन है ये, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज को सिलेक्ट करिए और टेंजेंट टू दिस थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा एंड क्लिक
select this line and make it vertical, and same for this line, इस पर क्लिक करिए और इसे वर्टिकल कर दीजिए, और डिस्टेंस है 40, तो डबल क्लिक 40, एंड दिस गैप इज 15 एज गिवन इन द फिगर, एंड दिस पॉइंट अच्छा ओके, जस्ट सेलेक्ट क्लोज दिस एंड सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बोथ आर हॉरिजॉन्टल लाइन, या नाउ माई ज्योमेट्री इज प्रॉपरली प्लेस्ड एंड दिस गैप इज 50 एंड क्लोज, एंड वन मोर वन टू सर्किल आर ऑल्सो देयर, तो जस्ट क्लिक एंड द डायमीटर इज 25 फॉर वन सर्किल एंड फॉर अनदर सर्किल 12 millimeter डायमीटर, ओके सो ये इस टाइप की हमारी ज्योमेट्री है, इसे फिनिश करते हैं और अब इसे मैं लेता हूँ एक्सट्रूड, पूरा नहीं आना चाहिए, आप लीजिए कनेक्टेड कर्व और क्लिक करिए ये पोर्शन, रिवर्स करते हैं और इसे मैं लेने वाला हूँ अप टू दिस अप्लाई, ओके और नेक्स्ट मुझे चाहिए ये कर्व और ये दोनों कर्व को सिलेक्ट करना है, और ये है 15, आप इसे डाल दीजिए 15 और यूनाइट और ओके, इस टाइप से ये मेरा बन के आ जाएगा, ये 12 का यहाँ पे है, अब ये थ्रू आउट है या नहीं है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है, हमने भी थ्रू इसको नहीं बनाया है, ऊपर ही है खाली, नीचे तक नहीं, अगर थ्रू दिया होता तो मैं इसे थ्रू भी कर सकता हूँ, थ्रू आउट पूरा कट हो जाएगा। नेक्स्ट इस वाले के लिए क्लिक ओके, ये कुछ ऐसा आ गया है, तो ऐसा मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सीधा रखता हूँ, इस वाले प्लेन को हाइड कर दीजिए और स्केच में जाएंगे, सेलेक्ट करिए और जब आप रेफरेंस लेंगे ये वाला और एरो देखिए कितना जा रहा है, अब ठीक करिए एक्स, अब ठीक आ गया, और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ सेम वही रेक्टेंगल और यहाँ तक फिलेट अप टू दिस, और डायमेंशन ले लेते हैं 35 का जो है, ये तो 70 ये हो जाएगा 70 और ये है 50 5050 और फिर क्लोज करते हैं, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है दोनों को कर दीजिए हॉरिजॉन्टली लाइन, लाइन पे क्लिक करिए और कर देते हैं इसे वर्टिकल, इसे कर दीजिए वर्टिकल, तो अभी तो फिलहाल इसमें इतना ही है, आप इसे फिनिश करिए ओके, अब इसे एक्सट्रूड करते हैं पूरे को, रिवर्स अप टू दिस एंड दिस, अनटिल नेक्स्ट ले लेता हूँ, तो मुझे सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली साथ में आके मर्ज हो जाएगा, और अप्लाई करिए, अब चाहें तो आप इस प्लेन को भी हाइड कर दीजिए, कर्सर हाइड दिस, इस स्केच को भी हाइड कर दीजिए, इस स्टेप से आ गया, अब ऊपर का ये पोर्शन बनाना है, नेक्स्ट मैं एक काम करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, इस स्पेस को स्केच करते हैं स्पेस पे, और यहाँ से एक लाइन लेते हैं अप टू दिस क्वाड्रेंट को ऑन करते क्वाड्रेंट तक, और फिर यहाँ से लेंगे यहाँ तक, और फिर एक सर्कल ले लीजिए, और सर्किल है ये 15 का, एक छोटा सा सर्किल इसके अंदर और भी है, एक 25 है और एक 15 है, दो हैं जो कि 15 का है एक 25 का है,
एक मिनट पहले इतना ही लेते हैं, फिर बाद में ले लेंगे। यहाँ से जाके मैं करता हूँ इस एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में आप जो कर्व हैं इन कर्व को सिलेक्ट करें, और इसको मैं करता हूँ सब्सट्रैक्ट, और ऑफसेट में सिमेट्रिक लेके 5, 10 है तो 5 का ऑफसेट लेके 20, और यूनाइट की जगह सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, और डेप्थ कितनी है इसकी 5, रिवर्स में करके अप्लाई, तो जिस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा इसे हाइड कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश करी है कि आपको बताया जाए, और होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज हैं अगर आपकी, या कहीं पर कोई ऐसा इशू है जो आपको समझ में नहीं आया, डायमेंशन कैसे ली गई है, तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा किस टाइप से इसको लेना है। और कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनका क्वेरीज होती है कि सर जो ड्राइंग है भेज दीजिए, तो मैं आपको पूरे फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।